केंद्र सरकारे नागरिकता संशोधन अधिनियमनुं जाहेरनामुं बहार पाड्युं छे। समग्र भारतमां नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू थयो छे। आ अधिनियम अनुसार 31 डिसेम्बर 2014 पहेला भारत आवेला शरणार्थीओने नागरिकता मळशे। अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेशनी 6 लघुमती एटले के हिंदू सिख जैन बौद्ध ख्रिस्ती अने पारसी लोको भारतना नागरिक बनी शकशे। नागरिकता संशोधन अधिनियम मूळ 1955 कायदो छे, जेमां सुधारो करवामां आव्यो छे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1995 फेरफार करतुं संशोधन बिल सौ प्रथमवार 2016 लोकसभामां पसार थयुं हतुं, परंतु राज्यसभामां अटकी गयुं। त्यारबाद 2019 फरीथी संसदमां आ बिल रजू करवामां आव्युं। डिसेम्બર 2019 संसदना बंने गृहो द्वारा पसार थया बाद राष्ट्रपतिनी मंजूरी पण मळी गई। आ समयगाळा कोरोना महामारीने तेनो अमल थई न शक्यो અને ભારતીય બંધારણના અનુચ્છેદ 5-11 માં નાગરિકતા વિશે જોગવાઈ કરવામાં આવી છે। 2019 સે આજ તક યે ઇંતજાર મે થે લોગ જો ઇસ કાનૂન સે લાભાર્થી હોને વાલે હૈ ઓર એસી લોગો કી સંખ્યા પશ્ચિમ બંગાળ મે કઈ લાખ હૈ જી। તો યે જો લોગ હૈ યે લોગ કઈ દિન સે કઈ સાલો સે કઈ દશકો સે વંચિત હૈ ઓર ઇની લોગો કી બારે મે સોચકર યે કાનૂન કો લાયા ગયા યે એમેન્ડમેન્ટ કો લાયા ગયા और इंतजार में थे लोग। और अभी मैं तुरंत आपसे बात करने की मिनट पहले जब ये सीए लागू होने की खबर हमारी चैनल पे सबसे पहले ब्रेक किया गया तो तुरंत ही हम कुछ जगह पे जश्न की खबर हमें मिला है कि जश्न मनाया जा रहा है। उन लोगों ने जश्न मना रहे हैं जो पिछले कई दशकों से इसी के इंतजार में थे कि उनकी भारतीयता के ऊपर कोई सवाल ना उठा पाए, उनकी नागरिक होने के ऊपर कोई सवाल ना उठाया जाए। और ये जो मतुआ समिति है जो हमारे मंत्री शांतनु ठाकुर जिस समिति को जिस समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें लाखों लोग हैं जो अभी इस तरह की कानून के इंतजार में थे कि उनकी भारतीयता के ऊपर कोई सवाल ना उठाए। मैं जो कह रहा था कि तुरंत डीडी न्यूज में जब दिखा गया कि ये कानून के ऊपर रूल का नोटिफिकेशन आ गया है तो तुरंत लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। पहले जो सीए पूरे भारत वर्ष में लागू किया गया है तो पहले तो मैं मोदी सरकार का खूब खूब आभारी हूँ कि 2014 से पहले जो यहाँ भारत में स्थायी हुई है, जो पड़ोसी मुल्क है हमारे पाकिस्तान अफगानिस्तान कहीं से भी जो यहाँ स्थायी हुई है वो उस सब लोगों को भारतीय नागरिकता मिलेगी और भारतीय नागरिकता के जो भी लाभ है वो उसको मिल पाएंगे, तो ये बहुत खुशी की बात है। आज मोदी सरकार ने केंद्र सरकार ने जो सीए लागू करने का फैसला किया है और फैसले को हम भारतीय नागरिकता होने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लागू किया गया है, हिंदू हो क्रिश्चियन हो बौद्ध हो जैन हो पारसी हो उन सबको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और भारतीय नागरिकता मिल जाने से हमारे देश में जो कुछ लाभ मिल रहे हैं उनको लाभ मिलेंगे। मोदी सरकार और सब केंद्र सरकार के लोगों को आज मैं बधाई देना चाहता हूँ।